तो कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बोल सामने आए हैं। गीता के प्रसिद्ध श्लोक को मॉडिफाइड कर उन्होंने पढ़ा, कृष्ण के गीता श्लोक को मॉडिफाइड कर मोदी पर तंज कसा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है, यदा यदा ही मोदिश्च मंदी भवति भारत अभी उत्तम अंधभक्त बेरोजगारी युगे युगे। यदा यदा ही मोदिश्च मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। यदा यदा ही मोदिश्च मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। तो देखिए, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित टिप्पणी करी है, गीता के श्लोक को मॉडिफाइड कर दिया और जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है प्रधानमंत्री पर, साफ नजर आ रहा है कि पूरी तैयारी से सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे थे और ये श्लोक भी उन्होंने खुद ही मॉडिफाई करा और फिर सबके सामने पेश किया। गीता के प्रसिद्ध श्लोक को मॉडिफाइड कर मोदी पर तंज कसा है सज्जन सिंह वर्मा ने। तो देखिए, लगातार सज्जन सिंह वर्मा बयान देते रहते हैं और विवादित बोल उनके सामने आए हैं, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ हितेश वाजपेयी, वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वहीं मुकेश नायक जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले हितेश वाजपेयी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। मॉडिफाइड श्लोक आपने सुना, गीता का श्लोक मॉडिफाई किया गया प्रधानमंत्री पर तंज कसने के लिए, किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, कांग्रेस के लिए तो हिंदुत्व गीता श्लोक ये बखौल के ही विषय है और भाई ये करने में वो लेश मात्र भी संकोच नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि साहब ये करने से उनके जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण है वो प्रभावित होता नहीं है। तो इसलिए अच्छा, इनमें किसी में हिम्मत नहीं है कि अल्पसंख्यकों की कुरान के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे। तो ये बहुत दुखद है, आपको अपनी राजनीति करनी करिए, लेकिन ये सस्ते मजाक गीता रामायण रामचरितमानस, और बहुत अच्छा किया आपने नायक साहब को आज लिया। नायक साहब खुद जानते हैं, खुद व्यासपीठ पर बैठकर इन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया है, ये कितने पवित्र ग्रंथ है। मुझे लगता है नेताओं को इनसे सशक्त माध्यम है, शब्द को सशक्त है, यदि आप भाषा की दरिद्रता से नहीं गुजर रहे हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। बिल्कुल मुकेश नायक जी, आपने हितेश जी की बात सुनी, क्या कहेंगे? जी मुकेश जी, चलिए लगता है मुकेश जी से संपर्क नहीं को करने जी, के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन धर्म ग्रंथों के श्लोकों को आधार बनाकर व्यंग तंज ये इससे बचना चाहिए राजनेताओं को, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमारे श्रद्धा विश्वास और आस्था के प्रतीक है, व्यंग तंज और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रतीक नहीं है। उनकी भावना अच्छी है ना, लेकिन वो चूंकि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये नहीं सोचा उन्होंने, इस वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया जी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों ही राजनीतिक मेहमान का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बोल बोले, गीता के प्रसिद्ध श्लोक को मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री पर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों के साथ और उनमें लिखे श्लोकों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जिससे मुकेश नायक जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि ये बात सही है, गीता के श्लोक को इस तरह से मॉडिफाइड करके राजनीति में इस्तेमाल करना गलत है।